हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आपके बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि मैंने अपने बालों को कब से बढ़ाना स्टार्ट किया और कैसे मैंने अपने बालों की ग्रोथ की। बहुत सारे भर भर के कमेंट मुझे यही आ रहे थे इंस्टाग्राम में और पर्सनल मैसेज मुझे यही आते हैं कि कब से बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया, कैसे आपके इतने लंबे बाल हो गए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैंने कैसे कैसे बालों को बढ़ाया और कब से मैंने बालों को काटना बंद किया। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर हेयर प्रॉब्लम है तो खाने के बारे में और टिप्स मैंने बहुत सारे अपने चैनल में डाले हुए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं क्या क्या लगाती हूँ, कैसे अपनी हेयर केयर करती हूँ। मैं नेचुरली अपनी हेयर केयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कैसे मैंने अपने बालों को बढ़ाया बचपन से लेकर के। तो बचपन से मेरे काफ़ी बार मेरे बालों को काट दिया था और मेरे बालों की ग्रोथ बचपन से ही अच्छी थी और मैंने काफ़ी बार बालों को कुछ प्रॉब्लम की वजह से काटना पड़ता था। तो बचपन में तो इतना वो भी नहीं रहता है कि अपने बालों को बढ़ाना है, तो कट कर देते थे उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद भी गाइज उस टाइम पे मेरे बालों की लेंथ आप खुद ही देख सकते हैं, मैं इतनी दुबली पतली भी थी। अभी तो मैं हेल्दी हूँ, तो पहले इतनी दुबली पतली थी और बाल भी इतने संभाल भी नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे मैं कट कर देती थी, मुझे काफ़ी शौक था कि मेरे लंबे बाल, सबसे मैं लंबे बाल बनाऊँ अपने और अपने बालों को बढ़ाऊँ। तो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, मेरे बाल काफ़ी उस टाइम पे ड्राई थे और उलझते बहुत ज़्यादा थे क्योंकि थिकनेस भी बहुत ज़्यादा और बाल उलझते भी थे। अब इस टाइम पे मेरे बाल उलझते नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे होम रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। होम रेमेडी का काफ़ी अच्छा असर मुझे देखने को मिला, मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ी और मेरे बाल उलझना बंद हो गए। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा समय रहा है। और जब मैं होम रेमेडी कुछ भी जैसे एलोवेरा यूज करती हूँ तो इससे मेरे बालों की ग्रोथ भी प्रमोट होती है। अभी भी मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, कम से कम 9 फीट लंबे मेरे बाल हो गए हैं और अभी भी मेरे बाल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 से मैंने बालों को काटना बिल्कुल बंद कर दिया। तो कोई मुझे ऐसे ही अंकल मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे मेरे सर पे पैसे घुमाए उन्होंने। तो उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं रहती थी, हल्द्वानी में नहीं रहती थी, गांव एरिया में रहती थी। तो वो आर्मी से रिटायर थे अंकल जी, तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब अपने बालों को बढ़ा के अपना रिकॉर्ड बना सकते हो, इतने अच्छे बाल हैं। तो उस टाइम से मैंने बालों को काटना बंद कर दिया था। उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थी और धीरे धीरे फिर मैं यहाँ आई तो लोगों ने बोला, यहाँ पर काफ़ी ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्होंने बोला कि बाल, लंबे बाल अच्छे नहीं होते हैं, काट देने चाहिए और इतने लंबे बाल रखना अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता, ये सब। तो मैंने बात तो मैं किसी की नहीं सुनी, बस अपने बालों को बढ़ाया और अपने बालों की केयर की। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लंबे बाल अशुभ होते हैं, ये होता है वो होता है, कहीं पर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि बाल, लंबे बाल होने से कोई दुख या तकलीफ होती है। इससे मैंने काफ़ी कुंडली भी दिखाई, शायद मैंने कहा लोग सच में बोल रहे हैं, तो मेरी कुंडली में कुछ भी ऐसा नहीं निकला। उन्होंने बोला कि तुम अपने बालों के जरिए बहुत आगे तक जाओगी, जिनको भी मैंने कुंडली दिखाई और हुआ भी यही। और मैंने अपने बालों की केयर करना स्टार्ट कर दिया, जो भी होम रेमेडी थी। और मैंने पहली बार जो देखा कि बालों में लगाया जाता है एलोवेरा, तो मैं कुछ देख रही थी टीवी पे, आस्था चैनल पे, रामदेव बाबा का, कि एलोवेरा से बाल और एलोवेरा जूस पीने से बाल अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने एलोवेरा लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तब मैंने चैनल, सन 2015 में मेरे बालों की लेंथ मेरे घुटनों से नीचे थी। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा करके बालों को काट दिया करती थी,
कुछ ऐसे, क्योंकि ये टाइम जो था ना, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो बच्चों को संभालने का जो सबसे, मुझे अपने बाल संभालना और बच्चों को संभालना जो सबसे टफ टाइम रहा है, 11 से 15 के बीच में मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी उस टाइम पे, बच्चे को जो संभालूं या अपने बालों को जो बनाऊं, ये चीज़ें होती थी। और बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने बाल रखने में कोई दिक्कत हुई या कुछ ऐसा हुआ। हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तब काफ़ी दिक्कतें आती, क्योंकि अपने बालों को भी संभालना और घर को भी देखना, घर का काम भी करना, हर और छोटे बच्चों को संभालना काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने, मेरे थोड़े थोड़े बच्चे भी बड़े होने लगे और धीरे धीरे मैंने अपने बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया, अपने बालों की केयर करना स्टार्ट की। तो आप आज देख सकते हैं मेरे बालों की लेंथ, इतने लंबे मेरे बाल हो गए हैं अभी, और अभी भी मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है और थिकनेस बढ़ रही है, बाल मेरे घने होने लगे हैं। तो देख सकते हैं, जो बाल झड़ गए थे ना, कुछ डिलीवरी के बाद भी बाल झड़ते हैं, और कुछ आपको परेशानी हो, बहुत सारी परेशानी, ऐसा नहीं है कि मैं स्वस्थ दिख रही हूँ आपके सामने, मैं बात कर रही हूँ तो मैं ऐसी ही रही होंगी, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना मैंने किया है और काफ़ी तकलीफ़ों से मैं गुजरी हुई हूँ, और उस टाइम पर काफ़ी हेयर फॉल हुआ था। और आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, 1-1.5 साल में मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके बहुत सारे कमेंट भी मुझे आते हैं कि आप अपने हेयर जर्नी शेयर करिए, कैसे कैसे अपने बालों की केयर की। तो ऐसे ही मैंने हेयर ग्रोथ की, और ये नहीं बोल सकते कि आपको चिकन खाना चाहिए या मटन खाना चाहिए या एग खाने चाहिए, इससे बाल हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं तो ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें खाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है, हर वीडियो में लगभग मैं बोलती हूँ कि आपको आंवले का सेवन करना है। आप देखिए, 1 साल में, अगर आप 1 साल तक रेगुलर आंवला सेवन करते हैं, कुछ परिस्थितियों में आंवला सेवन नहीं किया जाता है, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस परिस्थिति में आपको आंवला नहीं खाना चाहिए। बाकी आप लगातार आंवला खा सकते हैं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, करी पत्ता है, 10 से 15 पत्ते आप अगर फ्रेश आपके घर पर है या कहीं पर भी है तो उनको तोड़ करके आप खा सकते हैं, धो करके। ये प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता कि आप मटन खाएं, दूसरे का मांस खा करके अपने बालों को बढ़ाएं। मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, और घर में ऐसा नहीं है कि हम सभी को रोक सकते हैं कि ये चीज़ मत खाओ, कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता, हर किसी को हम ये नहीं बोल सकते आप ये नहीं खा सकते, मेरे बच्चे और मैं ये चीज़ें नहीं खाते, मेरे बच्चे। 2015 से मैंने बालों को बिल्कुल भी नहीं काटा, तब से मैंने अपने बालों की ग्रोथ को रेगुलर बढ़ाया, बिल्कुल भी अपने बालों पे कुछ भी नहीं लगाया, कैंची भी नहीं लगाई। मैंने ये चीज़ें सुनी थी कि आपको बालों को नहीं काटना चाहिए, मतलब जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, मैं इस चीज़ पर भी अमल करती थी, लेकिन क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ बहुत ऐसी हो जाती हैं, तो मैंने ये चीज़ नहीं की, तो कैंची नहीं लगाई। तो मेरे हस्बैंड ने जब जब मुझे बाल काटने होते थे, सिर्फ वही काटते थे मेरे बालों को। एक बार उन्होंने मेरे बालों को कितना काटा, मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ तक लेंथ बनाई थी, यहाँ तक देखिए, और यहाँ तक लेंथ थी बालों की, और इतने ज़्यादा बाल काट के, दोनों ये एक साइड के बाल हैं तो दोनों साइड के हमने इतने बाल काटे थे। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे, हमको ये भी पता नहीं था बाल डोनेट होते हैं या कैंसर पेशेंट को देने चाहिए, तो हमारे घर में एक केले का बगीचा था, तो वहाँ पे मैंने वो बालों को रख दिया था, क्योंकि हरा भरा पेड़ रहता है और केले का बगीचा, उसमें केले आते रहते थे और छोटे छोटे पेड़ भी आते थे, मैंने सोचा उस मैं रखूँगी तो अच्छा रहेगा, तो वहीं पे मैंने रख दिए थे बालों को। और अगर मुझे ये चीज़ पता होती इससे पहले मैं सोशल मीडिया में आई होती उस टाइम पे, तो मैं कभी भी अपने बालों को ऐसे नहीं फेंकती और मैं किसी कैंसर पेशेंट को डोनेट करती। लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप कैंसर पेशेंट को बालों को डोनेट करिए, और मेरी ये पहचान है, मैं अपने बालों को काटना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने बालों को रखा है। बहुत मेहनत लगती है मुझे अपने बालों को संवारने में,
और इनको बढ़ाने में, इनको कंघी करने में, धोने में, सुखाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद भी मैं अपने बालों को नहीं काटती हूँ, तो इसलिए मैं ये बाल अभी डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आगे को रिकॉर्ड बनाना है, गिनीज बुक में मैं अपना रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए और मेरा साथ दीजिए, और जो जो मैं होम रेमेडी बताती हूँ उसे लगाइए आप, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। खाने पीने में आपको ये चीज़ें मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो हम खाते हैं ना, वही चीज़ें हमारे शरीर को लगेंगी, उसी से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी। उसके बाद हमको ऊपर से जो भी चीज़ें हैं वो लगानी है, तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आई होप कि गाइज आपको मेरी ये हेयर जर्नी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।